तो पिवट टेबल में हम बात करेंगे फिल्टर में होने वाले प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन से। क्या होता है कि एक ही डेटा पे हमें कई सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। जी हाँ, जैसे आपके सामने डेटा है, मैंने रिपोर्ट बनाई, तो हमें विजुलाइजेशन देना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सिटी वाइज यहाँ पे टोटल डाल दिया, ये टोटल आ गया। अब इसके बगल में इस हम कमीशन डाल देते हैं तो कमीशन भी आपको दिख गया, लेकिन जब इसको हम चार्ट में या विजुलाइजेशन में दिखाएंगे तो कमीशन मेरा नहीं दिखेगा। तो कमीशन क्यों नहीं दिखा? हेलो अंकित जी, क्यों नहीं दिखा कमीशन? कमीशन क्या रेंज का इशू है? नहीं महेंद्र जी, आप बताएंगे? दोनों समय है सर, इसीलिए नहीं। आप यहां पे देखिए ना कि आपका टोटल क्या फिगर कितना बड़ा है और सम ऑफ कमीशन कितना छोटा है। तो इतने बड़े जो दिख रहा है चार्ट पे कमीशन, यहाँ दिख रहा है बहुत छोटे में दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, समझे आप कि नहीं? हाँ, सम ऑफ टोटल के कंपेयर में काफी छोटा अमाउंट है। जैसे गांव में कहावत कहते हैं कि बड़े बड़े ढोल के सामने खजूरी के क्या मोल। जैसे बड़े लोगों की जब पार्टी फंक्शन होती है तो वहाँ पे हम लोग इनवाइट होते, जैसे मंत्री वगैरह की हुआ तो हम लोग को इनवाइट होता है, तो हम लोग जाने से अवॉइड करते हैं इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, हम जैसे कुछ किसान का क्या औकात होगा वहाँ पे, कौन पूछेगा। सेम थिंग यहाँ पे हो गया कि इतने बड़े सीरीज के सामने इसकी क्या मिसाल, तो कैसे दिखेगा क्या महेंद्र जी? तो हमें, लेकिन हमें तो दिखाना है कंपेयर करने के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अलग अलग पिवट लेते हैं, मतलब एक ही डेटा पे दो अलग अलग पिवट। तो मैं कमीशन यहां से हटा देता हूं, एक पिवट जिसमें हमने दे दिया यहां पे, और इसी पे हम दूसरा पिवट टेबल लेंगे, लेकिन यहां पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट और सीट लोकेशन पे जाके हम दूसरे पिवट टेबल को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। और यहां पे हम सिटी वाइज अपना कमीशन ले लेते हैं। अब कमीशन ले लिए तो जीएसटी भी चाहिए होगा। तो अब क्वेश्चन यहां पे एक आता है कि यहां पे सिटी दे दी और यहां पे मान लीजिए कॉम लिखते हैं, तो कॉम लिख के करेंगे तो नहीं लेगा। न लेने के पीछे रीजन है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको कॉमन स्पेस दीजिए आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब मुझे तीसरा पिवट भी चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जीएसटी और चौथा हमें जो है जोन वाइज चाहिए, तो ऐसे तीन चार तरीके के पिवट चाहिए। तो बार बार डेटा में जाके आप पिवट नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे इसी पिवट टेबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कमीशन को हटाता हूँ और यहाँ सिटी भी बताता हूँ, इस बार मैं जोन वाइज ग्रांड टोटल ले लेता हूँ, फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे जोन। अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और फिर बगल में, यहाँ देखिएगा एक पिवट जब पूरा कंप्लीट हो जाए तभी दूसरा पिवट आप कॉपी पेस्ट या लगाएंगे, नहीं तो क्या हुआ कि इस पिवट को कुछ ऐड करेंगे ये वर्कटी जाएगा, इस पिवट को ओवरराइट कर देगा, डिलीट कर देगा। इस बार यहाँ पे नेम बाय और जोन बाय हमने टोटल। तो चलो हमने यहाँ पे सीखा कि मल्टीपल पिवट कैसे लगाया जाता है एक ही डेटा में। समझ में आ गया सभी को? महेंद्र जी समझ में आया? महेंद्र जी आपकी रिप्लाई नहीं आया। हेलो ओके सर सही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है फिल्टर लिस्ट। मान लीजिए मुझे इसको फिल्टर करना है, तो
तो पहले शो फिल लिस्ट पे आता हो और फिल्टर करना है तो बोले कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ पे जोन को रख देते हैं और यहाँ पे नेम को रख देते हैं। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो रही है। अब दो प्रॉब्लम क्या होती है देख लीजिए, जैसे कि मैंने जोन सेंट्रल को सिलेक्ट किया तो सेंट्रल का डेटा आ गया, सेंट्रल में मैंने मान लीजिए पूजा को सिलेक्ट किया तो पूजा का डेटा आ गया, मोहन को सिलेक्ट किया तो मोहन का आ गया, कविता को सिलेक्ट किया कविता का आ गया। अब इसमें कुछ ऐसा डेटा हो सकता है ना जिसका डेटा है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैं नेम में एक और नेम दे देता हूँ, अनुराग जी का नाम डाल देता हूँ, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम अनुराग को सेलेक्ट करते हैं, अनुराग का डेटा तो है सेंट्रल में, तो क्या ईस्ट में है? ईस्ट में नहीं है। तो ये नहीं है कैसे पता चलेगा? जब आप इस पे फिल्टर करेंगे। क्या एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर आपके पास मल्टीपल फिल्टर आप लगाते हैं तो किस कैटेगरी के सब कैटेगरी में डेटा है या नहीं है ये पता लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो है ये जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं जब फिल्टर लगा रहा हूँ तो मेरा एक ही चार्ट इफेक्ट कर रहा है। अब मुझे इस पर दोबारा से फिल्टर अप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए मैंने नेम और यहाँ सिटी दे दिया, जोन है ना, माफ कीजिएगा, जोन दे दिया, तो क्या लग रहा है कि यहाँ हम अब क्या लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल सेलेक्ट करूंगा तो अब ये इफेक्ट हुआ। तो मतलब कि मेरे पे पांच छह पिवट टेबल है तो क्या पांच छह पे अलग अलग फिल्टर लगानी पड़ेगी? दो प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आ गया हमें। पहला प्रॉब्लम है कि किस फिल्टर के सब फिल्टर में डेटा है या नहीं है, ये आइडिया नहीं लगेगा, एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम कि मैंने एक ही डेटा पे कई सारे शीट्स में पिवट लगा रखी है, अब कई सारे पिवट्स लगा रखी हैं, अब मुझे इंडिविजुअली हर पिवट में जाके फिल्टर करना पड़ेगा, तो डैशबोर्ड वगैरह में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी का सोल्यूशन है स्लाइसर। तो आपको स्लाइसर में जाना या इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर्स, और जिस जिसका स्लाइसर चाहिए वो आप क्लिक कर लीजिए। एक तो डिजिटली इस तरह से आएगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। दूसरा, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पूजा को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूजा जो है कानपुर और जयपुर में, बाकी में नहीं, क्योंकि बाकी आपका ये हाईलाइटेड नहीं है, मेन हाईलाइटेड। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे पता चल जाएगा कि किस फीचर्स के किस सब सिटी सब फील्ड के अंदर में डेटा है या नहीं है, किस किस का डेटा है, किस किस का डेटा नहीं है। ठीक है महेंद्र जी, समझ में आया? हाँ सर। अब दूसरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मैं जब सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना स्लाइसर सिर्फ एक पिवट ही इफेक्ट कर रहा है, बाकी पिवट इसको सिलेक्ट कर लिया तो बाकी पिवट इफेक्टेड नहीं हुए। इसके ना होने के पीछे रीजन था कि बाकियों से कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप जब डेटा में जाके पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कॉपी पेस्ट अगर करने का विचार है आपका तो पहले स्लाइसर लगा ले उसके बाद कॉपी पेस्ट करे, तो दोनों आपस में जितने भी कॉपी पेस्ट करके नए नए पिवट्स बनाएंगे वो सारे स्लाइसर से कनेक्टेड रहेंगे, तो ये कॉपी करने से पहले ही आप कर लेंगे। लेकिन मैंने तो गलती कर दी, कॉपी करने से पहले नहीं किया, तो कोई बात नहीं, तब आपको पिवट हर एक पिवट पे क्लिक करना पड़ेगा। और इसके यहाँ देखिए फिल्टर कनेक्शन है, फिल्टर कनेक्शन पे जाके यहाँ पे आपको एक एक करके फिल्टर लगाने होंगे। यहाँ भी आप आइए, फिल्टर कनेक्शंस, एक एक करके फिल्टर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ भी आपको सेम फिल्टर कनेक्शंस और एक एक करके फिल्टर को कनेक्ट करना। चारों कनेक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे मैं देखिए कुछ भी कर रहा हूँ, चारों पिवट हमारा इफेक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे डैशबोर्ड के रूप में एक अलग अलग शीट पे चाहिए, डैशबोर्ड के रूप में मुझे इसको एक अलग शीट पे रखना है। कोई बात नहीं, रख सकते हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना देता हूँ और इन सबों के जो चार्ट्स में इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने लाइन चार्ट लिए, यहाँ से कट किया, डैशबोर्ड पे गया, पेस्ट किया, थोड़ा सा बड़ा किए और यहाँ इसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाके हम चेंज कर देते हैं अपना डिज़ाइन। और ये जो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है नेम वगैरह, इसको हम हाइड ऑल फील्ड कर देते हैं, हाइड हो जाएगा। और भी जो करना चाहते हैं हम करेंगे, वो चार्ट की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इसको आगे गो फॉरवर्ड करते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे जो है लाइन चार्ट ले लेता हूँ, यहाँ से इसको कट किया, डैशबोर्ड पे गए, पेस्ट, राइट क्लिक, हाई ऑल बटन्स, इसको सेलेक्ट कीजिए और डिजाइन में इसका भी कोई डिजाइन है तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको मैं इंसर्ट पिवट पे क्लिक कर कीजिएगा तभी वो कनेक्टेड होगा। कट करते हैं, डैशबोर्ड यहाँ पे पेस्ट कर, राइट क्लिक, हाइड बटन्स, और इसको जो है डिज़ाइन में हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं। कुछ और डिज़ाइन भी ले सकते हैं, फिलहाल हमने यही ले लिया। उसके बाद इस पे भी हम इंसर्ट और इसका भी डिजाइन में रहने देते, डिजाइन ठीक है, मुझे नहीं करता। अब जो है मैं यहाँ पे आता हूँ और जो स्लाइसर है इनको भी कट करके ले जाऊँगा, इन दोनों को एक काम करता हूँ। स्लाइसर के अंदर फिटिंग है, दो कॉलम में कर दिया, इसको भी दो कॉलम में कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको भी दो कॉलम में कर दिया और इसको छोटा करके यहाँ पे फिट कर देता हूँ। इसकी भी अलग अपनी एक फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं अपना एक फॉर्मेटिंग है, अपना फॉर्मेट चूज कर सकते हैं कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए मैंने पूजा सेलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट पूजा के अकॉर्डिंग हो गया, मोहन सेलेक्ट किया, मोहन के अकॉर्डिंग हो गया। समझ रहे हैं सर? तो इसी तर्ज पे कई सारे रिपोर्ट बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार एक रिपोर्ट दिखाता हूँ डेटा एनालिटिक्स का, ये भी स्लाइसर के थ्रू ही बना हुआ है। इसलिए हमने क्या किया, सपोर्ट में अलग अलग जगहों पे पिवट रखा हुआ है और इस पिवट डैशबोर्ड पे इस पिवट को चार्ट और बाकी चीजों से यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया है। और ये रहा आपका स्लाइसर, इस स्लाइसर इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझे सर? तो अब अभी तक पिवट टेबल में मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, आया है, मैंने कथा बाचा है और आपने सुना चले गए। अब जो अगली चीज आती है वो आती है कि आपके तरफ से कुछ होना चाहिए आउटपुट, ताकि पता तो चले कि मेरी कथा का आपके ऊपर कितना असर पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक
फाइल में दे रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए डैश में, हाँ ये रहा, ये मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। हमारा डेटा, सेल्स डेटा, ये रहा डेटा हमारा, ए है जो आपके सामने दिख रहा है। अब इस डेटा के ऊपर जो फाइनल डैशबोर्ड है वो इस तरह से बना, हालांकि ये मेरी मेरी बनाई हुई फाइल नहीं है, मैंने भी इसको माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प एंड सपोर्ट से डाउनलोड किया। ठीक है सर, ठीक है, ये आप इसको आपको तैयार करना है, तो आपसे नहीं होगा देन मैं इसको तैयार करूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है सर। एक ऑफसेट वाला जो था ना कल वाला लिंक, वो जरूर भेजना सर। एक आज का कल का लिंक वीडियोस तो भेज दिए सर आपको, नहीं भेजा सर, चेक करें जरूर, कैलकुलेशन ही भेजा होगा। ठीक है, मैं भेज देता हूँ।